कल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में ही, संभवतः यह फिफ्थ होना चाहिए प्रॉपर्टी। तो यह प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज जीरो या नल वेक्टर। अगर कोई इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट इज ए क्रॉस ए इज जीरो, बी क्रॉस बी इज जीरो, या आई क्रॉस आई भी जीरो होगा, जे क्रॉस जे भी जीरो होगा, के क्रॉस के इज जीरो। दो वेक्टर हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा। और आप जानते हैं ए क्रॉस बी का मोड ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा अगर जीरो होगा तो ए क्रॉस बी भी जीरो होगा। तो उसी तरह से यदि कोई दो वेक्टर भी है, अलग अलग वेक्टर है लेकिन पैरेलल वेक्टर्स है, तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। सिक्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, साइन थीटा विल बी जीरो, और सो ए क्रॉस बी भी जीरो होगा यदि ए और बी के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं आई और जे, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं देखिए। सपोज कीजिए कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। मैं दिखा रहा हूं डॉट लाइन से। एक्स एक्सिस के अलोंग आप जानते हैं यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के अलोंग जे है और जेड एक्सिस के अलोंग के है। हम आई से जे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आई क्रॉस जे क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू थर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ यूनिट वेक्टर्स, दैट इज आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे के क्यों होगा? मैं लिखता हूं ऊपर, I क्रॉस J इज इक्वल टू K मैंने लिखा। इसको हम देखें मैथमेटिकली वेक्टर रूल से, I क्रॉस J को हम कैसे लिख सकते हैं? I का मैग्नीट्यूड इंटू J का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल निश्चित रूप से, ये दोनों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं साइन 90 डिग्री, और आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? के है। तो हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, आई का मोड वन है, जे का मोड वन है, साइन 90 वन है और के है, इसलिए आई क्रॉस जे को हम के लिखे। सिमिलरली जे क्रॉस के इज आई एंड K क्रॉस I इज J। तो I क्रॉस J K के बराबर होगा, J क्रॉस K I के बराबर होगा, K क्रॉस I J
जे के बराबर होगा। और यदि हम उल्टा लिखें, ऑल्सो उलट दें, अगर जे क्रॉस आई लिखें तो यह होगा माइनस के बराबर, के क्रॉस जे लिखेंगे तो होगा माइनस आई, और आई क्रॉस के लिखेंगे तो होगा माइनस जे। क्यों हुआ? जब हम आई क्रॉस जे लिखे तो मैं राइट हैंड मैक्सवेल स्क्यू लॉ याद कीजिए, राइट हैंड मैक्सवेल स्क्यू लॉ से आई को जब जे की ओर घुमाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको मिलता है यूनिट वेक्टर, उसका डायरेक्शन मिलता है इस डायरेक्शन में। लेकिन जब हम जे क्रॉस आई करेंगे, मान जे से आई की ओर घुमाएंगे, तो हमारा डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अंदर की ओर हो जाएगा। इसीलिए जे क्रॉस आई क्रॉस जे था के, तो जे क्रॉस आई हो गया माइनस के। उसी तरह से जे क्रॉस के था आई, तो के क्रॉस जे हो गया माइनस आई, के क्रॉस आई था जे, इसलिए आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। और एक प्रॉपर्टी और देखें ये कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और दूसरा वेक्टर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। तो यदि एक क्रॉस बी निकालना होगा तो हम मेथड ऑफ डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं और सीधे क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। वन बाय वन हम दोनों मेथड से करके दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि दोनों ही आसान है। देख सकते हैं हम आगे, देखिए ए है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। एक क्रॉस बी निकाल रहे हैं, मतलब ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के क्रॉस बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। हम पहले देखें सिंपल मेथड, हम ए वन आई का क्रॉस कराएंगे बी वन आई से, फिर ए वन आई का बी टू जे से, फिर बी थ्री के से, और वन बाई वन हम सबसे क्रॉस कराएंगे। तो कैसे कराएंगे? ए वन और बी वन मल्टीप्लाई होगा, यह हो गया आई क्रॉस आई। अब हम ए वन का कराएंगे बी टू जे से, तो ए वन बी टू हो गया आई क्रॉस जे। अब हम ए वन आई क्या कराएंगे बी थ्री के से, प्लस ए वन बी थ्री आई क्रॉस के। अब हम ए टू जे से सबका कराएंगे, तो प्लस ए टू बी वन जे क्रॉस आई, ए टू जे को कराए बी वन आई से, ए टू बी वन जे क्रॉस आई, प्लस ए टू जे बी टू जे से कराएंगे ए टू बी टू जे क्रॉस जे, प्लस ए टू जे से बी थ्री के का कराए, तो ए टू बी थ्री जे क्रॉस के। फिर ए थ्री के बचा, तो ए थ्री के का भी तीनों से कराए, तो हो गया ए थ्री बी वन के क्रॉस आई प्लस ए थ्री बी टू के क्रॉस जे प्लस ए थ्री बी थ्री के क्रॉस के। अब आप जानते हैं कि आई क्रॉस आई इज जीरो, जे क्रॉस जे इज जीरो, एंड के क्रॉस के इज जीरो, सो यह टर्म जीरो हो जाएगा, यह टर्म जीरो हो जाएगा, और यह टर्म भी जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या? ए वन बी टू, ए वन बी टू आई क्रॉस जे होता है के बराबर, पहले बता चुके, प्लस ए वन बी थ्री आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होता है, इसलिए माइनस जे लिखे। ए टू बी वन जे क्रॉस आई इज माइनस के, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई इज माइनस के। इसके बाद ये बचा ए टू बी थ्री, प्लस ए टू बी थ्री जे क्रॉस के आई के बराबर होता है। इसके बाद ए थ्री बी वन प्लस ए थ्री बी वन जे, के क्रॉस आई जे,
प्लस ए थ्री बी टू के क्रॉस जे इज माइनस आई। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां आई है और यहां माइनस आई है, इस माइनस को हम यहां ला सकते हैं और आई को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू इंटू आई प्लस जे को देखिए, एक जे यहां है एक जे यहां है, तो लिखेंगे ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री जे, जे कॉमन हो गया। उसी तरह से के बचा प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के, एक के यहां है एक के यहां है, इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अब हम बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट करके दिखा रहे हैं, एक क्रॉस भी हम फिर निकाल रहे हैं दूसरे मेथड से। बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट हम क्या कर रहे हैं कि एक दो लाइन से घेर दिया गया है इसको, I, J, K जो दोनों में है इसको हमने ऊपर में लिख लिया I, J, K। अब I के कोएफिशिएंट A1 है तो I के नीचे A1 लिखिए, J के कोएफिशिएंट को J के नीचे लिखिए और K के कोएफिशिएंट को K के नीचे लिखिए, फिर उसी तरह से I के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट को और के कोएफिशिएंट को नीचे लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि मन ही मन इसको काट दीजिए और ये रो हुआ, रो को फर्स्ट रो को काट दिए और पहले फर्स्ट कॉलम को भी काटे, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई है, आई को हम कॉमन ले लें, I को हम कॉमन ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि A2 को B3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, A2 को B3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस A3 के को B2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A2 B3 माइनस A3 B2। अब हम देखें, अब हमने क्या किया कि अब हम सेकेंड कॉलम को काट रहे हैं, सेकेंड कॉलम को हमने काटा, अब बचा ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री। अब हम क्या कर रहे हैं, ए थ्री को बी वन से एक बार बाएं से दाएं चले तो दूसरा बार दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं, ए थ्री बी वन, ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कौन था, जे था, तो जे से हमने मल्टीप्लाई किया प्लस अब इसको भी हमने मिटाया। अब हमने इसको काटा, थर्ड कॉलम को काटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के है, के को कॉमन ले लिया और जैसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसको पहले किया फिर इसको किया, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन किया, इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। निश्चित रूप से आप इतना समझ रहे होंगे कि बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट यह इजी है क्रॉस प्रोडक्ट करना। सो आगे हम इस पर प्रॉब्लम कराएंगे कल और फिर इसको आगे हम बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।